हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं वो है ग्रुप डी वैकेंसीज की जो डेट आ चुकी है हरियाणा में, उसका सिलेबस। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब हैं, ये वीडियो जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम कब कब हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी का सिलेबस। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं हम सिलेबस देखने से पहले कि इसमें पेपर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये जो होगा टोटल 90 मार्क्स का जो है इसका एग्जाम होगा ग्रुप डी का। ओके, इसमें से 75% पार्ट वन और 25% पार्ट टू होगा। 75% में जो है हमारी चीज़ें आएंगी, जनरल अवेयरनेस है, साइंस, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। ओके, और 25% में जो है हरियाणा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा से रिलेटेड, ओके, तो उस पे जो क्वेश्चन आएंगे 25%। ओके, तो देखिए ये रहा, अगर पार्ट वन की बात करें हम, पार्ट वन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, रीजनिंग आर एप्लीकेबल विच हैज 75% वेटेज। तो इसमें क्या करते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये जो है 10 मार्क्स की रखते हैं, 10 या 5 मार्क्स की रखते हैं। जनरल अवेयरनेस वो ज़्यादा देते हैं, कम से कम 20 या 23 क्वेश्चन तो वो डाल ही देते हैं जनरल अवेयरनेस के। ओके, तो मान के चलिए कि 75% कह रहा है ये, 90 में से जो है 60 या 65 क्वेश्चन जो हैं वो इससे रिलेटेड होंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनसे रिलेटेड होंगे 60 के आसपास क्वेश्चन। ठीक है, 60 या 70 इतने क्वेश्चन जो लगभग जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और रीजनिंग से आएंगे। पार्ट टू जो होगा उसमें जो है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, लिटरेचर, एनवायरनमेंट, कल्चर एटसेट्रा, कहाँ से, हरियाणा से। ओके, हरियाणा की हिस्ट्री से आएगा। ओके, 25% कह रहा है ये, 25 तो आई थिंक 23 या 25 क्वेश्चन ही बनेंगे, 20, 23, 25, तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो हरियाणा से रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या क्या आएगा, इनमें थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस में किस किस टॉपिक में से पूछेंगे, देखिए कंट्रीज या कैपिटल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज में से जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी पूछेंगे। ओके, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जो है करंट अफेयर का एक दो क्वेश्चन भी वो पूछेंगे। ओके, फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो है इजी आएगा, बेस होगा उसका 6 to 8, मीन 6 से 10वीं क्लास तक का मैथ होगा, इजी लेवल होगा। देखिए कौन कौन सा आएगा, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, बोर्ड मास रूल, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा प्रॉफिट लॉस भी बिल्कुल इजी वाले आएंगे क्वेश्चंस, वो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आएंगे कि एसएससी लेवल के पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट लॉस के भी जो आप इजीली कर पाएंगे। फिर बात करें परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम वर्क, प्रॉब्लम ऑन इजी। ठीक है, तो यही सब आएगा इसमें। ओके, तो देखिए इसमें जो है ज्योमेट्री नहीं आ रही है, तो ज्योमेट्री नहीं आएगी इसमें, सिर्फ मेन ये पूछ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पूछ सकते हैं या आयत का क्षेत्रफल निकालना पूछ सकते हैं, बस इतना पूछ सकते हैं वो ज्योमेट्री में से, अदरवाइज वो नहीं पूछेंगे ज्योमेट्री में से, सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से जो है आपके 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, वो 10 मार्क्स का ही मैथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम का भी दे सकते हैं कि 5 या 8 नंबर का भी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मार्क्स का तो देंगे ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम साइंस में। साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी जो है बहुत इजी आती है हरियाणा के एग्जाम्स में। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स है, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के, ब्लड रिलेशन के, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक एंड कैलेंडर्स, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट एटसेट्रा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है दोनों में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होंगे आपके इम्पोर्ट। ओके, इजी आएगी रीजनिंग भी, कोई मुश्किल नहीं आएंगी। इंग्लिश हिंदी तो वैसे ही बहुत इजी आती है इसकी, तो इंग्लिश और हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर्स होंगे, एंटीनम सीनियनम्स होंगे, फ्रेजेज एंड एडियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। ओके, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। नेक्स्ट बात करें अगर हम 25%, ये थी फर्स्ट पार्ट हो गया, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हरियाणा के एग्जाम्स में जो है हरियाणा से कैसे क्वेश्चन आते, देखिए एनवायरमेंट की, इंडियन हिस्ट्री विद फोकस ऑन
हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा की हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी विद फोकस ऑन ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, सारी चीजें जो होंगी वो हरियाणा से रिलेटेड होगी। कल्चर भी सिर्फ हरियाणा का ही पूछेंगे हरियाणा वाले क्वेश्चन में, ओके। लिटरेचर मीन्स हरियाणा से जो से कवि वगैरह हुए हैं उन सब के बारे में पूछेंगे, या वे कहाँ के हैं, किसकी पुस्तक किसकी है, ये सब पूछेंगे। सिविक्स में करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, अगर कोई योजना शुरू हुई है हरियाणा में तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, और इसके अलावा जो है हम इन पे वीडियो ज़रूर बनाने वाले हैं हरियाणा की करंट, हरियाणा की करंट अफेयर्स पे भी, और हरियाणा की हिस्ट्रीज के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पिछले एग्जाम्स जितने हुए हैं या फिर वो टीचर्स के यूँ हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सब हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।